मेरा प्यार मोड़ दे। अंदाजा नहीं मामा कि वो औरत मुझे कितना जहर लगने लगी है। कैसे हसन पर अपनी मलकियत जता रही थी। मामा मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हो सकता है इस बच्चे की वजह से उसके अंदर माँ की ममता जाग रही हो। है तो वो आखिर औरत। ममता और जूबी में मामा किस दुनिया में रहती हैं आप? बेटा तुम्हें अपने आप को एहसास दिलाना होगा, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, विरसा का है। वकार इसका बाप है, तो उस हिसाब से विरसा और उसके बाद जूबी इसकी माँ है। अगर तुमने खुद को इस बात के लिए तैयार नहीं किया तो आगे बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। मामा क्या आप मेरे अहसन को उसके हवाले कर देंगी? बेटा जिंदगी के अगले लम्हे में क्या होने वाला है वो तो किसी को भी नहीं पता, और तुम्हारे लिए क्या लिखे हैं उसका इंतजार करो और थोड़ा सब्र करो। अब फिर बेटा तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि हमारी माँ इंसल्ट हो चुकी है, और अब तो उस घर में वो फरमान और उसके माँ बाप का राज है। मेरी बात मानो तो उससे छोड़ दो, और वैसे भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, फातिमा को इन हालात में घर नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा आप ये क्या बात कर रहे हैं? और मैं कौन सा फुप्पो को हमेशा के लिए यहाँ पे लाने की बात कर? वो आपकी इकलौती बहन है, अगर आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर और कौन सोचेगा? हाँ अगर फातिमा मुझे कॉल करके कहेगी तो मैं चले चलूंगा, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों से बेइज्जत होने का खौफ रहेगा मुझे, क्योंकि वो नहायत ही घटिया और बद अखलाक लोग हैं। बाबा मैं कब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक। तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। बहुत अजीब सी बात है, आपसे जब भी मिलो जैसा भी वक्त हो कोई भी जगह, आपके पास उन माँ बेटी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं होता है। अस्मा फातिमा पप्पू मेरी माँ जैसी है, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। ओह बहुत खूब, वो माँ जैसी, मगर उनके हवाले से अपनी माँ की भी नहीं सुनते, उनकी भी बात को रद्द कर देते। विरसा 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 की वजह से कितनी इंसल्ट हुई है हमारी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा कुछ भी नहीं है अस्मा जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है समझी तुम। हमारा बचपन साथ गुजरा है और बस आदिल, बहुत सुन चुकी हूँ ये आपके बचपन के किस्से। ना तो अब आप बच्चे और ना ही वो आपके घर में रहती है। बचपन चला गया लेकिन आपका बचपना नहीं गया। पहले भी वकार आपसे किसी बात पर नाराज था, आपकी सूरत नहीं देखना चाहता था, ऊपर से आप मुझे भी अपने साथ ले गए बेइज्जत करवाने के लिए। आपका तो पता नहीं लेकिन उस बेइज्जती के बाद से मैं अब तक चैन से नहीं सोई हूँ। अब बैठ भी जाओ। नाइस नेकलेस बाय द वे, जरूर इन्होंने ही दिया होगा। फिर तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जिन पैसों पे आजकल ये ऐश कर रहे हैं वो तो मेरे हैं और आपको भी साथ साथ करवा रहे हैं, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता अब मैं मजीद तुम्हें पैसों पे ऐश नहीं करने दूंगी और ना ही ऐसे दूसरों को करवा। कल रात को भी काफी देर से आया था, पता नहीं कितना काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी मेहनत करता है मेरा बच्चा, सारा दिन पड़ा सोता रहता है,
आप उसे कहें ना जो भी काम है वो दिन में कर लिया करे, मुझे तो नहीं समझ में आता। चाचू की कब्र पे जाने के बहाने होटलों में जाके जो खाने खाए जा रहे हैं, अय्याशियां की जा रही, उसका क्या चाची? चाचू की जिंदगी में तो आप इतनी आजाद नहीं थी चाची, अब क्या हो गया? वीर साहब मुझे जबरदस्ती लेके गई थी, वरना मैं कहां जाती हूं? रहने दे चाची, अब तो खुल के बात सामने ही आ गई ना, वरना तो छुप छुप कर पता नहीं क्या क्या होता रहा होगा। बकवास बंद करो फरमान, हमें छुप छुप कर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, छुप छुप कर तो तुम करते हो। बताओगे वो औरत कौन थी जो तुम्हारे साथ थी? अरे क्या कह रही हो फातिमा, मेरे बेटे पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? अगर मुझे इल्जाम लगाना होता ना भाभी, तो मैं इसके पीठ पीछे आपको सब कुछ बता देती। मैं तो इसके मुंह पे कह रही हूँ कि ये किसी औरत के साथ था। वो तो विरसा ने मुझे कहा कि आप यहाँ ठहरे, मैं अभी आती हूँ, तो मैं हैरान रह गई कि ये कहाँ जा रही है, तभी इन पे नजर पड़ी मेरी। अब पूछे ना इससे कौन थी वो औरत, क्या रिश्ता था इसका उसके साथ। अम्मा तुम इनकी बातों में मत आना, दोनों माँ बेटी एक नंबर की झूठी है। देखा नहीं विरसा इनको जाने का कहकर मेरे पास आ गई, अपनी बेटी की बात नहीं बता रही आप। मेरी बेटी मेरे साथ थी, अकेली नहीं थी। बस कर दो चाची, बस खाना खाने गया था मैं वहाँ पे। अच्छा उस पराई औरत के साथ हाथों में हाथ डाल के हंस रहे थे, ये अय्याशी नहीं है? और ये भी तो बताओ उस औरत के गले में जो हार है वो भी इसी ने खरीद के दिया उसे। ठीक है चाची, जो कहना ना कह लो, एक बात याद रखना, कल जो विरसा ने मेरे साथ किया है ना उसका बदला लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को बड़ी तुर्रम खान समझती है ना, चाचू की इज्जत का लिहाज कर लिया मैंने, नहीं तो रख के मारता मुंह पे एक, सारी झाग बैठ जाती और सारी अकड़ निकल जाती उसकी। बदला तो मैं लेके रहूंगा चाची, इस बात को भूलूंगा नहीं मैं। अरे बात को बदल क्यों रहा है, बताओ ना वो औरत कौन थी जिसके बारे में फातिमा कह रही है। अम्मा चलो मेरे साथ, यहाँ खड़े होके मेरी बेइज्जती मत करो। अरे घसीट क्यों रहा है, आ रही हूँ ना। चलो मैं तुम्हें छोड़, मुझे आप उसे लेके निकले फौरन, फौरन जाएं। एक सेकंड, कॉल चले। ओ अस्सलाम वालेकुम, तुम अकेली आई हो? अकेली? तुम अकेली तो नहीं थी, मैंने खुद देखा है तुम्हारे साथ एमन है और एक और लड़की थी, वो लोग कहाँ गए? नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, शायस्ता आप हैं मेरे साथ, वो एसन की टेक केयर कर रही हैं। क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने खुद देखा है एमन और एक लड़की को। वो लड़की? वो तो मेरी दोस्त है, बहुत देर से बाद मिली, बस हम मिल रहे थे आपस में, बट आई थिंक वो शॉपिंग करने चले गई है। तुम्हें शॉपिंग के लिए आना था, मुझे क्यों नहीं बताया? एसन की कुछ जरूरी चीजें लेनी थी और बस एक दो ही थी, तो मैंने सोचा आपको तंग नहीं कर। तुम झूठ बोल रही हो, बताओ कहाँ भाग गई दोनों? हाँ मैं क्यों झूठ बोलूंगी, वो भी तुमसे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जूबी जब वो कह रही है कि वो एमन के साथ नहीं आई तो नहीं आई, क्यों पीछे पड़ी? इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था मुझसे, मुझसे कह देती मैं ले आता हूँ, एमन और अम्मी को साथ भेज देता था। क्या मतलब मैं कहीं अकेले नहीं आ जा सकती? मेरे अकेले आने जाने पे कोई पाबंदी तो नहीं? कोई पाबंदी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह मॉल में अकेले उससे बच्चे के साथ कोई परेशानी हो सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं अकेले नहीं हूँ, शायद आप मेरे साथ हैं। नो, वो तो यहीं आ रही है, क्या करें आप, क्या करें? मेरा तो भाग भाग के सांसें फूटी।
शास्ता, वो कौन? सीरियसली, वही जिन्हें आपने मेरी देखभाल के लिए रखवाया था। बहुत कुछ भूलने लगे हैं। अच्छा याद आया, लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि तुमने उन्हें फारिग कर दिया। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि आप उनके अखराजात। मेरे अखराजात तुम्हारे लिए जायज अगर सही। खैर ये बताओ, इससे पहले तो तुमने कभी इतनी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया कि अकेले शॉपिंग करने शॉपिंग सेंटर आ गए? क्या बात, बहुत मजबूत हो गई। जब अपने छोड़ जाते हैं तो इंसान को मजबूत होना ही पड़ता है। ये जूबी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। आप उनके साथ कंटिन्यू करें, मैं अपनी शॉपिंग कंटिन्यू। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम खराब करें। आप जूबी के साथ एंजॉय करें, मैं मैनेज कर लूंगी। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ। मैं उसे कह दूंगा, वो घर चली जाएगी। वैसे अगर वो साथ भी रहे तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होगा। As you wish. कार के साथ चली जाऊंगी। तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग जाओ यहाँ से, प्लीज उसको नजर मत आना। मैं बाकी बातें ना तुम लोगों से बातें करती हूँ। जाओ जाओ जाओ। आप मेरे साथ है ना? हाँ। क्योंकि मैं शायस्ता को मैसेज कर रही हूँ कि ड्राइवर के साथ चली जाए। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। ये दोनों कैंसिल। उठा ले, जूबी होगी। जूबी का फोन नहीं है, मेरे एक दोस्त का फोन है जिससे मैं फिलहाल बात नहीं करना चाहता। आओ। जूबी ने आपको कॉल नहीं किया और आपने भी उसे कॉल करके नहीं बताया कि आप मेरे साथ हैं। तो मैं उसकी इतनी परवाह क्यों? बात परवाह की नहीं है, वो परेशान हो रही होगी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो तो तुम्हारी परवाह नहीं है। ये तो अपने अपने जर्फ की बात है। वैसे आपको यकीन है कि वो वापस चले गई है? अगर नहीं गई होती तो अभी तक उसका फोन आ जाता। खैर छोड़ो उसे, चलो तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिला। कॉफी इस टाइम पे? कॉफी पीने का कोई वक्त नहीं होता। तुम्हें कहती थी ना? आपको याद है? ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत कुछ याद, लेकिन शायद तुम भूल गए हमारा वो बीता हुआ वक्त जो अपने साथ गुजारा। मेरी बदकिस्मती तो बस ये है कि मेरे पास अच्छे बुरे दोनों वक्त की याद। समझ भी नहीं आता कौन सी याद रखूं और कौन सी भुला दूं। एक बात बता, क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की? वाह, बड़ी बुढ़तियां दिखाई गई। इतनी जल्दी वहां से यहाँ भी पहुंच गई। यहाँ से क्या मुराद है आपकी? मॉल से यहाँ घर तक। अभी कुछ देर पहले वहीं थी ना वर्षा के साथ। लगता है आप दिन में भी ख्वाब देखने लगी है। मैं तो घर पे ही थी। अच्छा, तो फिर ये एहसन कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये तो इसे शाइस्ता पा लेके आई है ड्राइवर के साथ। और वैसे भी मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपके इन ऊट पटांग सवालों के जवाब दे ही क्यों रही हूँ। तुम जो छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन कब तक छुपाओगी? और क्या छुपा रही हूँ मैं, ये भी बता दे। यही कि ये बच्चा
वैसा तो नहीं है। कहाँ गायब हो गई थी वकार को लेकर? अरे गायब तो तुम थी, इतना ढूंढा आपको लेकिन आप तो ऐसे उड़न छुई जैसे नामो निशानी मिट गया। ज्यादा इतराओ नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ नामो निशान किसका रहना है और किसका नहीं। अरे आप कुछ और समझ रही हैं, लेकिन सच में ढूंढा था काफी वकार ने। सच? वो मुझे कॉल कर सकता था, कॉल नहीं की, तलाश के हाँ करता। सभी तुमसे मिलने के बाद वो सहरजदा हो जाता, उसे कुछ और याद ही नहीं रहता। तनिया आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? रास्ते में भी आप ही के बारे में बात करते रहे हैं मुझसे। इनफैक्ट आपके फेवरेट कॉफी हाउस भी लेके गए कॉफी पिलाने। अच्छा, उसने कहा और तुम चली गई? नहीं जाती। और अब कहाँ है वकार? मुझे छोड़ के कहीं गए हैं, कह रहे थे कोई इंपॉर्टेंट काम है। मेरे लिए कोई मैसेज दिया? भूल गए होंगे। इस वक्त तुम जिस तरह इतरा रही हो ना, इसकी वजह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। तुम समझती हो वकार को मुझसे छीन लो? कितनी बार बताया, मुझे तुम्हारे वकार में कोई इंटरेस्ट नहीं, रखो उसे अपने पास। अगर ऐसा है तो मना कर देती, ना जाती कॉफी पीने। देखना चाहती थी कि तुम्हारे प्यार में कितना डूब चुका है। फिर क्या देखा? सच बताऊं, मैंने ये देखा कि उस आदमी को भूल के भी तुम्हारा ख्याल नहीं आता। अरे उसे तो इतनी भी परवाह नहीं तुम्हारी कि एक बार तुम्हें कॉल करके बता ही दे के किसके साथ है, कहाँ है, कैसा है। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। आईना दिखा रही हूँ कि जब एक इंसान को तुम्हारी परवाह ही नहीं है तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो। मैं तो कभी ना रहूं। अच्छा तो फिर तलाक क्यों नहीं ले लेती? क्यों उसका नाम अपने नाम के साथ लगा के घूम रही हो? जानना चाहती हो क्यों? अपने बच्चे ऐसे की खातिर मैं सिर्फ उसकी वजह से फुला नहीं लेती। मैं नहीं चाहती कि मैं उसे एक टूटे हुए घर के बच्चे के तौर पर बड़ा करूं, उसकी परवरिश या उसकी। बस बस, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। झूठ बोलना अच्छे तरीके से आ गया तुम्हें। मैं तो आग लगाना भी सीख रही हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। क्या पता कभी भी जरूरत पड़ जाए। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। ये सब कुछ आज मैंने आपके लिए बनाया है। क्या हुआ साइको? साइको खाना खाया, पता नहीं क्या था खाने में। अब साइको तुम्हारे डॉक्टर को कुछ जहर दे दिया है। बस मुझे सिर्फ एक बार उनको देखने दे प्लीज। वो ठीक तो है ना? अभी आप यहाँ से चली जाए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साइको का बचना। नफर बाहर निकालो इस लड़की को, इसका साया बिनो शेरवा पे नहीं पड़ना चाहिए। भाभी भाभी मुझे लगता है कि वो जूबी एंजला तक पहुंच कर ही दम लेगी। भागलों की तरह हाथ धोकर पीछे पड़ गई है उसके। मुझे अभी भी धमकी देकर गई है कि वो ये राज खोल कर रहेगी कि ये बच्चा आपका नहीं है। मुझे लगता है वो सब करने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन क्या अगर वो एंजेला तक पहुंच भी गई तो एंजेला उसे सच बता देगी? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन एंजेला को हर वक्त पैसों की जरूरत रहती है। अगर जुबीन उसे ज्यादा पैसों की ऑफर दे दी तो कहीं वो सारा सच बता ना दे। तुम परेशान नहीं हो, हम जैसे आज तक ये सब छुपाते आए हैं वैसे ही एक बार फिर छुपा देंगे बोल के कि एंजेला को जुबीन ने बहुत सारे पैसे दिए हैं सब झूठ कहने के लिए। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जब जब आपके मुंह से ये बातें सुनती हूँ ना,
मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरी वजह से आप क्या से क्या बनती जा रही हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं चाह के भी वो पहले वाली वर्षा नहीं बन सकती। फरमान हमारा सब कुछ हत्या चुका है, हमारी प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ। मुझे तो डर है कि किसी दिन अम्मी को सड़क पे ना खड़ा करते, इसलिए हमें जूबी और फरमान जैसे लोगों का मुकाबला करने के लिए वो हथियार उठाने पड़ेंगे जिनका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करते। ठीक कहती हैं आप, शरीफ लोगों को ना ये दुनिया जीने नहीं देती। वकार मेरे साथ। भाई के साथ? हाँ, अपनी फेवरेट कॉफी शॉप पे लेके गए थे। वाकई? सच कह रही हैं आप? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे दरमियान अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसे था। भाभी, अगर भाई सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप? मैं अब कुछ ठीक करना भी नहीं चाहती, और वैसे भी ये शख्स जो तुम्हारे भाई हैं मुझे समझ भी नहीं आते। एक लम्हा ऐसे हो जाते हैं जैसे इनसे ज्यादा परवाह मेरी किसी को है ही नहीं, और दूसरे ही पल वही गलीज और तोहमत ज्यादा बातें करके मेरा दिल छली कर देते हैं। इसलिए मुझे अब वापस आना ही नहीं है। तुम भी ज्यादा मत सोचा करो उस बारे। हमेशा आपके फैसले का एहतराम करूंगी भाभी, मगर एक बार ये बात सोच लीजिएगा कि... अच्छा बस, अब दोबारा शुरू मत हो जाओ। कहाँ गए थे? किसी से जरूरी मिलना था, कुछ बिजनेस के मामले। मैं विरसा के हवाले से पूछ रही हूँ, उसके साथ कहाँ गए थे? पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि तुम मुझे छोड़ के कहां गायब हो गई थी। क्या मैं गायब हो गई थी या तुम नजरें बचा के उसके साथ कहीं गए थे? मैं थोड़ी देर बाद वापस आई तो तुम दोनों नहीं थे वहां। कहां से वापस आई? वो मेरी दोस्त मिल गई थी उसके साथ। ये सब छोड़ो, तुम उसे मेरे फेवरेट कॉफी हाउस ले गए थे कॉफी पिलाने के लिए। तुम्हारा फेवरेट कॉफी हाउस? ये कॉफी हाउस तुम्हारा फेवरेट कब से हो गया? तो विरसा का फेवरेट कॉफी हाउस है, वही मुझे वहां अक्सर लेके जाती रही है। इसका मतलब है अब तुम उसकी सारी फरमाइशें पूरी करोगे? मैंने उसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी की है? मैं उसे खुद वहां लेके गया था। क्यों गए थे जब उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हो? क्योंकि वो आज भी मेरी बीवी और मेरे बच्चे की माँ। वाह भाई, लॉटरी लग गई क्या? गाड़ी कब ली? जाने वाला बेचारा चला गया और मेरे लिए गाड़ी छोड़ गया, एक छोटी वाली भी है। तुम्हारे तो ऐश हो गए। हाँ ऐश तो है, लेकिन अभी भी एक कमी सी है। बात तो मेरी समझ रही होगी तुम। मैं तो समझ रही हूँ, क्योंकि तुम शायद नहीं समझ रही या फिर समझना चाहते नहीं है। यही वजह है कि वो दोनों दिन ब दिन और करीब आते जा रहे हैं। क्या वकार और विरसा की बात कर रही हो? सातिल के बारे में तो मैंने इतना मिर्च मसाला लगा के बातें की थी, फिर भी? हाँ फिर भी, तो यही बात मुझे समझ में नहीं आती। हर उस लड़की में ऐसा क्या है जो वकार उसके फरेब में आ जाता है? तू करती है शायद वो उस पे। और उसके सामने वकार तो मुझे जैसे भूल ही जाता है, और अब तो से अपने बच्चे की माँ भी कहने लगा है। मुझसे क्या चाहती हो तुम बताओ? मैं क्या बताऊं? तुम विरसा से शादी करना चाहते थे ना? मामू जान पे दबाव डाला करते थे कि डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा दे, तो फिर अब क्या हुआ? क्यों पीछे हट गए? पीछे नहीं हटा हूं मैं, मेरे सारे मकासिद में से एक मकसद तो पूरा हो चुका है। कैसा मकसद? उसकी जायदाद, रुपये पैसे का, गाड़ी का, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। और ये सब कुछ तुम्हें विरसा ने इतनी आसानी से दे दिया? वो कहाँ देगी इतनी आसानी से, चाचू ने दिया, हम अपना बेटा समझते थे मुझे, इसलिए सब कुछ मेरे नाम कर दिया। तो इसका मतलब है
अब तुम मिर्जा को हासिल करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? है इंटरेस्ट, बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं, वो कार उसे छोड़ता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता? इतना तो कर सकते हो ना कि वो घर छोड़ के चली जाए। और अगर वो घर छोड़ के चली गई, मैं वो कार से डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाऊं। ठीक है, करता हूं मैं कोशिश, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। तुम्हें कमजोर अंदाज से क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि आदिल एक ऐसा मोहरा है जिसे चल के वकार को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन वो मोहरा भी इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब की बार वो पिट जाए। बेवकूफी वाली बातें मत करो, हमारी चाल पुरानी हुई है, मैं तो पिकार नहीं। वकार अब भी आदिल की वजह से इनसिक्योर है। हाँ, उसकी मंगेतर से मिलने के बाद थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी मिर्च मसाला वाली बातों ने वकार का दिल जला दिया है। एक बात याद रखो, हम दोनों का मकसद एक ही, तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। डन। डन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों नहीं होते? अरे अरे बेटा, क्या मसला क्या है तुम्हारा? एहसन कब से रो रहा है, तुमसे संभाला ही नहीं जा रहा। ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम भी बाप हो, संभालो इसे। अरे मैं तुमसे पहले भी कहा था जूबी कि इसको ममा और एमन के पास रहने दो, वहां भी नहीं रहने देना, खुद भी नहीं संभालना, मुझे पता था तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो मिर्जा को क्यों जाने दिया? क्या जरूरत है उसे अपने घर में रुकने की इजाजत देने की? अगर विरसा को जाने की इजाजत दी है तो एहसन को ममा और एमन के हवाले किया था, खुद लाइयो ना उनसे इसको जबरदस्ती, तो अब संभालो इसको। एमन, 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 अरे अरे ये क्या था? देखा तुमने? देखा कैसे छीन कर ले गई है मुझसे, जैसे बच्चे की माँ विरसा नहीं ये हो। क्या फसूल बातें कर रही हो, ये उसकी मोहब्बत है अपने भतीजे के लिए, और वैसे भी एहसन जब से रो रहा है पूरा घर जाग उठा है, मम्मा ने उसको भेजा होगा यहाँ पे, और वैसे भी इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मम्मा ने ली थी। तो इसका मतलब है इस बच्चे की मैं कुछ नहीं लगती, तुम्हारी मामा और बहन ही सब कुछ है। देखो जूबी, मैं तुमसे ये बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी अम्मी और मेरी मामा दोनों को ये लगता है कि तुम एहसन को ठीक से नहीं संभाल सकती हो, इसलिए इन लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि विरसा जब जब अपने घर जाया करेगी, एहसन का ख्याल या तो मामा खुद या एमन रखेगी। एक्चुअली तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, इसलिए तुम अपनी मामा और बहन को मुझ पर तरजीह दे रहे हो। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, हर बात का बतंगड़ बनाने की आदत है और कुछ नहीं। मैं तो खुद चाहती हूँ ये बच्चा उन्हीं दोनों माँ बेटी के पास रहे, कौन इस अजाब को रखना चाहता है? ये देखें गर्मा गर्म सूप आपके लिए लेके आई हूँ, जल्दी से पी लीजिए। बेटा मैंने तुम्हें कहा तो था मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। मैं तो मुझे वाकई मरीज समझ लिया। जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप कोई भी काम नहीं कर सकती, बिस्तर से भी कदम नीचे नहीं रखना, सिर्फ आराम करना है। अच्छा तुमने कौन सा हमेशा रहना है, कल तो चली जाओगे? तो कल तक में अभी बहुत वक्त है, इतना वक्त कि हम माँ बेटी खूब सारी बातें कर सकें, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि कुछ ऑर्डर भी कर लेते हैं ऑनलाइन, चटपटा सा।
जब से तुम्हारे अब्बू नहीं रहे ना बेटा, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता, कुछ भी। अम्मी, बाबा तो हमेशा हमारे साथ हमारी बातों और यादों में रहेंगे ना, और ऐसे ही उन्हें साथ लेके चलना है हमें। जब वो थे तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह अकेली रह जाऊंगी, बिल्कुल तन्हा। अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अरे अम्मी, हम अब्बू की खूबसूरत यादें, उनकी खूबसूरत बातें भी तो अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। चले तौबा भाई, फरमान, मुझे इस औरत की जो है ना, कभी कभी बातों से ना बहुत खौफ आता है, मैं खौफ सदा हो जाती हूँ। तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम कामयाब हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं। क्या हो गया अम्मा, तुम तो बिल्कुल ही आग बगुला बनी हुई हो। आराम से बैठो 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 बैठो, आराम से बताओ मुझे क्या हुआ। अरे होना क्या है, खुद इस छोटे से दिमाग पे जोर डालो और सोचो। अरे एक ऐसी औरत जिसके कमरे से उसके घर और कारोबार के कागजात चोरी हो जाएं, क्या वो चुप बैठेगी? कोई ना कोई तो बंद बांधेगी ना। मां तुम भी ना बिना सर पैर के हाँकती रहती, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना मत सोचा करो। ये सोच के ना वजन कम हो जाएगा तुम्हारा। मेरा वजन कम हो या ना हो, लेकिन मेरी बात का वजन कम नहीं होगा। अनकरीब इस घर में कोई ना कोई बड़ा धमाका होगा जो तुम्हें और मुझे हिला के रख देगा। माँ, मैं नहीं चाहता कि फातिमा चाची अभी इस घर से जाएं, कि मेरा दिमाग उड़ गया ना। धमाका हमारी तरफ से होगा, उनकी तरफ से नहीं, और वो भी उनके सर पे। अरे तुम मानो या ना मानो, मगर मुझे इन माँ बेटियों की खामोशी डरा रही है। तुम बस बस कर। अरे जा भाई, तू तो मानता ही नहीं किसी की बात। कैसा था? अच्छा था। अम्मी एक बात तो बताएं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपका इस तरह से इतना बीमार हो जाना और अब्बू को इतनी शिद्दत से याद करना ही सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने की वजह नहीं, कोई और बात भी है? बताएं अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? तुम्हारी ताई आई थी मेरे पास। ताई आई थी, क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं अपना घर छोड़ के उनके पास शिफ्ट हो जाऊं। बेटा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपना घर कैसे छोड़ सकती हूँ? इस घर में मैं आके आई थी, मैं तुम इसी घर में पैदा हुई थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बात करूं ताई अम्मी से, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? अकेली हूं ना, इसलिए सब हावी हो जाते हैं मुझ पे। हो सकता है कि आपके अकेलेपन को देख के उन्होंने ये बात की हो, आपकी बेहतरी के लिए। बेटा तुम अब भी उन लोगों के लिए अच्छा सोच रही हो, तुम्हें अब भी उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद है। बेटा तुम ये तो सोचो कि अगर मैंने अपना घर छोड़ दिया तो मेरी अपनी क्या हैसियत रह जाएगी? उनका तो जब दिल चाहेगा वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? जब तक मैं आपके साथ हूं कोई ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ। बातें करती रहती है, अब आप आराम करें, मैं रख के आए। ज्यादा सोचिएगा नहीं। मुझे इस औरत की बातों से ना बहुत खौफ आता है,
मैं खौफजदा हो जाती हूँ। तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम कामयाब हो गए, ऐसा कुछ नहीं। अनकरीब इस घर में कोई ना कोई बड़ा धमाका होगा जो तुम्हें और मुझे हिला के रख देगा। भी हो रहे, कहा था ना इतना मत सोचे, तबीयत खराब हो जाएगी। सोचो पे इंसान का क्या अख्तियार होता है बेटा, और जो हालात है उसमें तो सोचे भी अच्छी नहीं आती। सोचा तो था कि आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आपकी मुसलसल परेशानी देख के लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा। मेरी एक दोस्त के वालिद साहब वकील हैं, मैंने उनकी मदद से ना ही तो सिर्फ घूमे हुए कागजात की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, बल्कि अखबार में भी खबर दे दी है। अब जिस किसी के पास भी हमारे कागजात हैं वो कोई फायदा नहीं उठा सकते। तुम सच कह रही हो बरस? या अल्लाह तेरा शुक्र, तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, तुमने मेरे दिमाग और मेरे दिल से बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं तो डर गई थी कि डर गई थी इसीलिए तो आपको बता दिया, वरना तो मैं डर रही थी कि कहीं आपके मुंह से गलती में भी ये बात ना निकल जाए, और अगर सच में फरमान भाई के पास कागजात हैं तो कहीं वो उसी चाल ना चलते। अभी फिलहाल वो गलतफहमी में, उन्हें गलतफहमी में ही रहने दें। हाँ तुम फिक्र मत करो, नहीं पता चलेगा उसे। अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र, बस तुम भी जाओ बेटा, जाके आराम करो, अब मैं सुकून की नींद सोऊंगी। आप लेटे पहले। मैंने आपको तो अच्छे से दिलासा दे दिया, मैं खुद मुझे इस बात का यकीन नहीं दिलाया गया कि वो कागजात कहीं गलत हाथों में चले गए तो इनका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरा प्यार मोड़ दे।